हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और वीडियो आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा टीआरसी कार्ड के बारे में। तो फाइनली मुझे भी माल्टा का टीआरसी कार्ड मिल गया है, जो कि वर्क परमिट मैंने अप्लाई किया था उसका अप्रूवल आ चुका है और मुझे माल्टा का टीआरसी कार्ड मिल चुका है। और ये जो टीआरसी कार्ड है, सॉरी मैं आप लोगों को ऐसे नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इस वजह से, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है कि ये एक साल तक वैलिड होगा, 2025 तक ये वैलिड है। और इसमें मेरी कंपनी का नाम है, साथ में मेरी पोजीशन है कि मैं किस पोजीशन में काम करता हूँ, पीछे मेरा घर का एड्रेस है, मेरे इंडिया का एड्रेस है और एक नंबर है जो कि माल्टीज नंबर होता है, ठीक है। तो ये मेरा माल्टा का जो टीआरसी कार्ड है फाइनली बन के आ चुका है। अब मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट माल्टा में आया था और स्टूडेंट से माल्टा का वर्क परमिट कन्वर्ट करने में क्या खर्चा आया, क्या दिक्कतें आई, कितना टाइम लगा, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं उन लोगों को पता हो कि उनको कितना क्या स्ट्रगल हो सकती है, कहाँ कहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं माल्टा में किस बेस पर आया था। तो माल्टा में मैं स्टडी वीज़ा पे आया था, मेरा कोर्स था हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र इन कंस्ट्रक्शन। याद रखना ये लोग आप लोगों के बहुत काम आएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र इन कंस्ट्रक्शन, ये मेरे कोर्स का नाम था, ठीक है। और मैं माल्टा आई थिंक जुलाई 2022 में आया था, यस जुलाई 2022 में। 2023 में मैंने अपनी टीआरसी कार्ड अप्लाई की थी, 2024 में मेरी टीआरसी कार्ड आई है। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा, ठीक है। तो कोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र इन कंस्ट्रक्शन। उसके बाद 6 महीने तक मुझे कोई टीआरसी कार्ड नहीं मिला था। उसका रीज़न ये था कि मैं आया था लेवल 4 कोर्स में। अब जितने लोग भी लेवल 4 कोर्स में आते हैं उन लोगों को टीआरसी कार्ड नहीं मिलता, उन लोगों को मिलता है यहाँ का जो आपका जो पासपोर्ट होता है उस पर दोबारा वीज़ा लगता है जो कि एक्सटेंड होता है 1 साल के लिए। आप 1 साल उसमें मल्टीपल एंट्री भी मिलती है, आप 1 साल तक माल्टा में लीगली रह सकते हो। आप इंडिया से मतलब इंडिया जा भी सकते हो, वहाँ से आ भी सकते हो क्योंकि वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। और ये लेवल 4 कोर्स की बात है, लेवल 5 में अगर मैं होता तो मेरे पास ये टीआरसी कार्ड पहले ही होता। मतलब ये तो ही स्टूडेंट वीज़ा वाला होता है जिसमें मैं स्टूडेंट मेंशन होता है कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जो अपना प्रोसेस डाला था टीआरसी कार्ड के लिए वो डाला था मई 2023 में, क्योंकि मेरा कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो 6-7 महीने बाद ही मैंने अपना प्रोसेस डाल दिया था वर्क परमिट के लिए, क्योंकि कॉलेज से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था पास आउट का, तो कॉलेज की तरफ से मैं फ्री था। उसके बाद मुझे वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना था क्योंकि मुझे यहाँ रहना था लीगली और काम भी करना था, तो उसके लिए मुझे वर्क परमिट चाहिए होता था। तो मैंने अप्लाई किया किसी कंपनी में, कंपनी की तरफ से मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, कॉन्ट्रैक्ट उनसे मिला सारा, मेडिकल मैंने खुद कराया था। मेडिकल का मेरा खर्चा आया था 200 यूरो तक मेरा खर्चा आ गया था मेडिकल वगैरह का, क्योंकि यहाँ 2-3 एक्सरे होते हैं, 2 इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, तो 200 यूरो के आसपास का खर्चा वहाँ पर आया था। लेकिन जो आईडी माल्टा की फ़ीस थी 280 यूरो, वो मेरी कंपनी की तरफ से ही पे की गई थी, मैंने वो फ़ीस पे नहीं की थी, ठीक है। तो मई 2023 में मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था। उसके बाद मुझे जो ये टीआरसी कार्ड मिला, ये मिला मुझे दिसंबर 2023 में, मतलब 6-7 महीने का टाइम लगा। उसका रीज़न क्या था कि मैंने एक तो मैंने स्टूडेंट से वर्क परमिट में कन्वर्ट किया था, सेकेंड आईडी माल्टा की तरफ से हर बार कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही थी। मतलब जैसे ही मैं अपनी फाइल वहाँ पर सबमिट करता था, वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट आता था कि आपका ये डॉक्यूमेंट बचा हुआ है या आपकी ये डॉक्यूमेंट आप प्रूव करो कि ये कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप अपना स्टडी वीज़ा से वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाओगे, आप लोगों के पास अपना जो पास आउट का सर्टिफिकेट होता है कॉलेज से, आपके पास वो होना ही चाहिए। सेकेंड, कॉलेज की तरफ से एक मेल की जाती है आईडी माल्टा को कि इस बच्चे ने इस टाइम पे ये कोर्स कंप्लीट कर दिया है और ये कोर्स आपका ख़त्म हो चुका है, ये अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकता है। मतलब एक फॉर्मेट होता है वो कॉलेज वाले खुद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें अगर आपने पास आउट किया था वहाँ से, ठीक है। तो एक दो बार तो मेरा वैसे ही उन्होंने एक दो डॉक्यूमेंट में गलती निकाल दी कि ये डॉक्यूमेंट में ये गलती है, एप्लीकेशन में गलती है या फिर कहीं पर साइन नहीं है, कुछ ऐसे 2-3 महीने मेरे ऐसे निकाल दिए उन्होंने। आई थिंक जुलाई या अगस्त के आसपास उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि जब आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था तब आप यहाँ पर इलीगल थे। अब इलीगल का पॉइंट कहाँ से उठा, क्योंकि जो मेरा वीज़ा था वो मई
एंड में खत्म होने वाला था, और मैंने जो अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था वो मई के शुरुआत में मतलब अप्लाई किया था। तो मुझे नहीं पता वो क्यों इस चीज़ को लेकर बार बार बोल रहे थे कि आप इलीगल थे, इलीगल थे। तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना था कि मैं इलीगल नहीं था। तो जो मेरी फीस कटी थी 280 यूरो, मैंने उसका अपना स्क्रीनशॉट लिया, अपने पासपोर्ट पे जो स्टैम्प लगी थी जिस टाइम तक का वीज़ा वैलिड था उसकी स्टैम्प, और वो फॉर्मेट पूरा अटैच करके उन लोगों को मेल की कि इसमें चेक कीजिए कि मेरा जो जो जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था मैं इलीगल नहीं था, मैं लीगल था। तब उन्होंने वो ओके कर दी कि ठीक है, अक्टूबर में उन्होंने ओके कर दी कि हाँ चलो ठीक है, हमने मान ली मेरी जो फाइल है वो सबमिट हो गई। उसके बाद 6 दिन के अंदर ही वो आ गई थी थर्ड पार्टी, आई थिंक सबमिटेड, सबमिटेड के बाद थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में आने के बाद उन्होंने टाइम कितना लिया, 2 से 2.5 महीना लिया थर्ड पार्टी से निकालने के लिए, अप्रूव होने के लिए मेरा वर्क परमिट। मतलब है तो पूरा, मतलब पूरा लंबा टाइम ले लिया उन्होंने, ऐसा वो लेते नहीं है इतना, मोस्टली किसी किसी केस में लेते हैं, बट मेरे वाले केस में उन्होंने ले लिया था टाइम इतना। तो 2 से 2.5 महीने उन्होंने फिर से लिए मेरा जो वर्क परमिट है वो अप्रूव करने के लिए। अब अप्रूव हुआ मेरा जाके नवंबर के एंड में, आई थिंक दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरा अप्रूव हो गया था कि आपका थर्ड पार्टी से निकल कर जो आपकी फाइनल अप्रूवल के लिए रेडी है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट के लिए मुझे मेल भेजी थी जिसमें मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, मैं आप वहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक दे के आया। बायोमेट्रिक देने के आने के बाद 3 दिन के अंदर मेरे पास मेल आ गई थी कि आपका जो कार्ड है उसका जो पेपर है हमने सेंड कर दिया है। तो वो जो पेपर होता है वो हमें आईडी माल्टा लेके जाना होता है, आईडी माल्टा वाले वहाँ जाकर हम जब वो सबमिट करते हैं तो वो हमें ये कार्ड हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा लंबा प्रोसेस था, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जैसे कि मेरा दोस्त था उसका उसका और मेरा बिल्कुल सेम प्रोसेस था, टोटली सेम, सेम कंपनी, सेम कॉलेज, सेम टाइम पे हमने सबमिट की है, लेकिन उसका जो कार्ड था वो नवंबर के महीने में भी आ गया था, तो मेरे वाले में टाइम लग गया था। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब आपका प्रोसेस थर्ड पार्टी में जाता है किसी किसी का, तो वो 10 दिन, 15 दिन या महीने के अंदर वो अप्रूव कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं जैसे मेरे केस में हुआ, उन्होंने 2 से 3 महीने ले लिए अप्रूव करने के लिए, लेकिन इन द एंड अप्रूव हो जाता है। मुझे उसकी टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि इन द एंड इनको अप्रूव करना ही है वो। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ तब जाके ये TRC कार्ड आ गया, और ये 1 साल का TRC कार्ड है। 1 साल बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मुझे इसको रिन्यू के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके पास आपका कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपका जब वीज़ा ख़त्म होने वाला हो या आपकी जो TRC कार्ड स्टूडेंट वाली है वो ख़त्म होने वाली हो, उससे कम 1 महीना पहले आप लोगों को अपनी जो फाइल है वर्क परमिट के लिए वो सबमिट करनी ही करनी है। अगर आप सबमिट, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आपकी TRC कार्ड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो आपका 100% यहाँ से रिफ्यूज़ल आएगा, आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को मेन बताई है। बाकी टाइम प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, किसी का 1 महीने में हो जाता है, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में। अब ऐसे अगर मैं किसी की सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी सैलरी 16,000 यूरो से ऊपर हो तो आपकी जो अप्रूवल आने का टाइम है वो 15 से 20 दिन रह जाएगा। अगर आपकी सैलरी 2,000 या 2,500 से ऊपर हो तो वही आपका 3 दिन के अंदर अप्रूव होकर आता है। तो सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोग ट्राई करो कि ये चीज़ें आपसे ना हो, आप लोग इन चीज़ों से बच के रहो, और डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर अपने तैयार करके तभी उनको सबमिट करो ताकि एक ही बार में सारा काम निपट जाए। तो ये स्टडी वीज़ा से माल्टा के वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस था। बाकी किसी को हेल्प चाहिए कि इस प्रोसेस को कैसे हम हैंडल करें या किस तरह से होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो लोग कन्फ्यूजन में है कि हाँ स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो कर देंगे, डोंट वरी। चाहे आप लेवल 4 में हो, चाहे लेवल 5 में हो, चाहे लेवल 7 में हो। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी आपने कोर्स किया है, आप जिस कोर्स में आए हो, अगर आप उससे रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिल रही, आप किसी और जॉब में अप्लाई करते हो, तब भी आपका वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा कोर्स था और मेरी जो जॉब है वो बहुत डिफरेंट है, कोई आपस में कोई लिंक भी नहीं है उनका, लेकिन मेरे पास जॉब थी, मैं कन्वर्ट करा लिया मैंने। ठीक है, हो भी जाता है, डोंट वरी, उस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन में मत रहना कि कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आपके पास वही जॉब होनी चाहिए जो आपने कोर्स किया है। तो नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, आपके पास अगर वो जॉब नहीं है, आपके पास कोई और जॉब है, तो आप उसके रिलेटेड पीछे अपना बैकग्राउंड कुछ भी दिखा सकते हो, बैकग्राउंड में आपको शो होगा कि हाँ इस बंदे ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, बाकी
ये पूरा प्रोसेस था और इतना टाइम आपको लगेगा, ये मैं आप सबको प्रूव कर चुका हूँ यहाँ पर। इस वीडियो को मैं अब एंड करता हूँ। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबने के लिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।